हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल गियर इंफोटेक। आज का हमारा कंटेंट कंपैरिजन के ऊपर होने वाला है एंड आज हम सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में दो ऐसी गाड़ियों का कंपैरिजन कराने वाला है जो कि मार्केट में डिमांड में है काफ़ी ज़्यादा। पहली होगी महिंद्रा की एक्सयूवी 300 एंड दूसरी है टोयोटा की अर्बन क्रूज़र, जिसे कि हम सुजुकी की विटारा ब्रेज़ा भी कह सकते हैं। तो आगे आप कंटेंट को इन्जॉय करिएगा एंड आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। तो बात कर लेते हैं दोनों कार्स के एक्सटीरियर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने जो वेरिएंट सेलेक्ट किए हैं दोनों ही कार्स के, वो मिड वेरिएंट सेलेक्ट किए हैं, मतलब बीच के। तो एक्सयूवी 300 में मैंने W6 वेरिएंट सेलेक्ट किया है एंड टोयोटा अर्बन क्रूज़र में मैंने हाई वेरिएंट सेलेक्ट किया है। बट मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जब मैंने टोयोटा की डीलरशिप पर विज़िट किया तो वहाँ पर मुझे कार नहीं मिली हाई वेरिएंट की, इसलिए मैंने मिड वेरिएंट के शूट किया है एंड उसके ही अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। लेकिन जो जो फीचर्स हाई वेरिएंट में प्लस हुए हैं मैं आपको वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो इसके आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। तो आगे वीडियो पे आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर्स के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे W6 एक्सयूवी के बारे में, तो एक्सयूवी में हमें अगर बात करें व्हील्स की तो यहाँ पे हमें स्टील व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, उसी के साथ नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प के साथ हमें हेडलाइट्स मिल जाते हैं विद साइटन इंडिकेटर्स, दैट्स इट। जो सबसे खास बात लगी मुझे एक्सयूवी में इस प्राइस पॉइंट पे, वो है उसका सनरूफ। इस प्राइस पॉइंट पे सनरूफ ऑफर हो रहा है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अर्बन क्रूज़र की, तो अर्बन क्रूज़र में हमें इस प्राइस पॉइंट पे एलॉय व्हील्स दे रही है, ड्यूअल बैरल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दे रहे हैं, साइड टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड DRLs के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देता है, अग्रेसिव लुक देता है, सामने से अच्छा लगता है। टोयोटा एक पूरा ब्रांड ही इस चीज़ में लैक करता है, वो है उसका सनरूफ। टोयोटा की किसी भी गाड़ी में सनरूफ मिलता ही नहीं है, थोड़ा सा लैकिंग लगता है। हाँ, आने वाले इनोवा में हमने एक्सपेक्टेड है कि सनरूफ देखने को मिलेगा, बट ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पे मैं टोयोटा अर्बन क्रूज़र को लीड देना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल जो पैकेज मिल रहा है एक्सटीरियर्स के मामले में वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सयूवी 300। तब बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स के इंटीरियर्स के बारे में यहाँ पे कुछ। तो हमने एक्सयूवी की W6 ले रखी है एंड अर्बन क्रूज़र की हाई वेरिएंट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मुझे अर्बन क्रूज़र में कुछ फीचर्स ज़्यादा देखने को मिले एज़ कम्पेयर टू W6 एक्सयूवी 300। जैसे कि इसमें हमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, डुअल ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, 60-40 के रेशियो में सीट्स फोल्ड होती हैं, सनग्लास होल्डर मिल जाता है एंड इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें एक्सयूवी 300 में देखने को नहीं मिलती हैं। एक्सयूवी 300 में एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो है उसके सनवाइज़र पे वैनिटी मिरर विद लाइट। यही एक ऐसा फीचर मुझे मिला एक्सयूवी में जो कि अर्बन क्रूज़र में नहीं है। अब बात करें अगर यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की, ग्लव बॉक्स में स्पेस कितनी है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ज़्यादा स्पेस आपको एक्सयूवी 300 में देखने को मिलती है, क्योंकि हमें माइंड सेट हमारा ऐसा हो जाता है कि दो ग्लव बॉक्स हैं अर्बन क्रूज़र में तो ज़्यादा स्पेस उधर होगा। नहीं, अगर आप एक्सयूवी 300 का ग्लव बॉक्स देखेंगे तो प्रैक्टिकली वो ज़्यादा डेप्थ में है और ज़्यादा स्पेस उसमें आपको निकाल कर देता है। उसी के साथ उसका मल्टीपल यूजेस भी आप कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें रियर कंफर्ट या फिर रियर इंटीरियर्स की, तो आप लेगरूम देख सकते हैं दोनों ही गाड़ियों में। अर्बन क्रूज़र में मुझे लेगरूम थोड़ा सा कम मिला एंड एक्सयूवी में वहीं पर हमें लेगरूम बहुत मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेगरूम मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें हेडरूम की, तो मुझे हेडरूम अर्बन क्रूज़र का ज़्यादा अच्छा लगा। अब बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, बूट स्पेस की। तो यहाँ पे हमें 328 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल रहा है अर्बन क्रूज़र में, वहीं पे एक्सयूवी 300 में हमें 257 लीटर्स का बूट स्पेस मिल रहा है, जिस वजह से एक्सयूवी 300 में हमें ज़्यादा लेगरूम देखने को मिलता है। तो आई थिंक अगर कंफर्ट और कन्वीनियंस के तौर पर आप जाना चाहें तो एक्सयूवी इज़ अ बेटर ऑप्शन एंड लगेज कैरी करने के ऑप्शन पे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे अर्बन क्रूज़र आपको ज़्यादा स्पेस निकाल के दे रहा है, क्योंकि उसका बूट स्पेस काफ़ी मैसिव है एज़ कम्पेयर टू एक्सयूवी 300। तो अब बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स के सेफ्टी फीचर्स के बारे में यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सयूवी 300 के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। यहाँ पे आपको ESP विद रोल ओवर मिटिगेशन जैसा फीचर देखने को मिल जाता है एक्सयूवी में, उसी के साथ ABS विद EBD विद डुअल एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं, 4 डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं एंड उसके साथ आपको कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल जैसा फीचर देखने को मिल जाता है इस सेगमेंट में यहाँ पर।
अब अगर आगे बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है एंड ये आप सबको पता है कि ग्लोबल इनकैप ने इसे 5-स्टार रेटिंग दे रखा है। इसने नेक्सॉन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है सेफ्टी में, तो यहाँ पर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर बात करते हैं टोयोटा अर्बन क्रूज़र की, तो यहाँ पर अर्बन क्रूज़र को 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिला है एंड उसी के साथ यहाँ पर आपको डुअल एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं, ABS विद EBD विद ब्रेक असिस्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर टोटली XUV300 टेक्स द लीड। तो बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स के इंजन ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पर अर्बन क्रूज़र में हमें एक इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन एंड जो कि आपका 104 PS की पावर जनरेट करता है एंड 138 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे XUV300 के बारे में, तो यहाँ पे XUV300 में हमें दो इंजन ऑफर हो रहे हैं एंड दोनों ही आपके टर्बो इंजन हैं, जो कि पहला इंजन आपका पेट्रोल इंजन है वो आपका 116 PS की पावर जनरेट कर रहा है एंड 200 Nm का पीक टॉर्क निकाल रहा है। एंड उसी के साथ अगर हम बात करें डीजल इंजन की, तो वो आपका 116 PS की पावर जनरेट कर रहा है एंड उसके साथ ही आपको 300 Nm का पीक टॉर्क निकाल रहा है, यानी कि इंजन में पावर में महिंद्रा टेक्स द लीड। अब अगर ट्रांसमिशन की यहाँ पे बात करें, तो ट्रांसमिशन में आपको XUV में 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है एंड 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। वहीं पे अर्बन क्रूज़र में आपको 4-स्पीड ऑटोमेटिक देखने को मिलता है एंड 5-स्पीड मैनुअल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी XUV300 टेक्स द लीड। तो मैं अपने वीडियो को यहाँ पे समराइज़ करना चाहूँगा एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगा लास्ट में कि अगर आप अपनी गाड़ी में फीचर्स, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ढूंढ रहे हैं, देन यू शुड गो फॉर अर्बन क्रूज़र। एंड वहीं पर अगर आप परफॉर्मेंस एंथुजियास्टिक पर्सन हैं, तो फिर आपको XUV300 सेलेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज उसका जो पेट्रोल इंजन है 1.2 का टर्बो इंजन, वो भी काफ़ी पावर निकाल रहा है 1.5 लीटर अर्बन क्रूज़र से। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि आपको XUV में ज़्यादा सेफ्टी मिल रही है, ज़्यादा पावर मिल रही है, ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, ज़्यादा लेगरूम मिल रहा है एंड वहीं पे अर्बन क्रूज़र में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, एक्सटीरियर लुक्स काफ़ी अच्छे हैं एंड सबसे ख़ास बात टोयोटा का ट्रस्ट मिल रहा है। यहाँ पे मैं ये टोयोटा का ट्रस्ट मैंने बात क्यों बोली, मैं इसका आपको रीज़न देना चाहता हूँ, बिकॉज टोयोटा जाना ही जाता है अपनी लो कॉस्ट मेंटेनेंस की वजह से। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को साइडलाइन नहीं कर सकते कि हम महिंद्रा की XUV वर्सेस टोयोटा की अर्बन क्रूज़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बैठता है, ब्रांड वैल्यू। टोयोटा एक ऐसा ब्रांड है जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम आता है। तो यहाँ पे आपने कार खरीद ली, सर्विस के बाद क्या, सर्विस की जब बारी आती तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को यही बताना चाहता हूँ कि किसी न किसी एस्पेक्ट में XUV ज़्यादा आगे है एंड किसी एस्पेक्ट्स में अर्बन क्रूज़र ज़्यादा आगे है। चॉइस आपकी है, आप अगर परफॉर्मेंस एंथुजियास्टिक पर्सन है तो आपके लिए XUV बेस्ट ऑप्शन है। सेफ्टी आप ज़्यादा चाहते हैं तो आपके लिए XUV बेस्ट है। फीचर्स आप ज़्यादा चाहते हैं, सर्विस या मेंटेनेंस कॉस्ट आप कम चाहते हैं, तो आपके लिए अर्बन क्रूज़र बेस्ट है। यहाँ पे पूरी तरीके से चॉइस आपकी है एंड मेरे हिसाब से दोनों ही कार्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी दोनों कार्स ने नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दिया। तो यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प हो एंड चैनल ग्रो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।